दोस्तों नमस्कार आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सेस एकेडमी पर दोस्तों आप सभी की आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए प्रस्तुत है एग्जाम टाइम सीरीज का बारहवा वीडियो जिसमें हम राजनीत राजनीति विज्ञान के महत्वपूर्ण टॉपिक राजनीतिक विकास और राजनीतिक संस्कृति से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक को पढ़ेंगे जो आप सभी की आगामी परीक्षाओं जैसे टीजी टी पीजीटी एल्टीग्रेड जीएससी प्रवक्ता गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर केंद्रीय विद्यालय संगठन बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा के टीजीटी पीजीटी और नेट जी आर एफ के लिए विशेष रूप से उपयोगी है दोस्तों आज का ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इस टॉपिक पे आपको मोस्टली वीडियोज नहीं मिलेंगे तो हम इस

तो राजनीतिक विकास वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से किसी विकासशील देश की राजव्यवस्था विकसित समाज की विशेषताएं अर्जित कर लेती हैं। यह संकल्पना मुख्यतः उदारवादी परंपरा की देन है इस परंपरा के अंतर्गत पश्चिमी जगत के उदार लोकतंत्र को विकसित समाज में का प्रतिरूप माना जाता है राजनीतिक विकास की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर अगर नजर हम डालें तो राजनीतिक विकास की संकल्पना का आगमन 1960 के दशक में होता है अमेरिका को इस उपागम की मातृभूमि और लुसियन पाई को इसका जनक माना जाता है तो राजनीतिक विकास का जो उपागम है उसके मातृभूमि अमेरिका और इसके जनक लुसियन पाई को माना जाता है लुसियन पाई ने अपनी प्रसिद्ध रचना एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट उन्नीस के अंतर्गत इसके विभिन्न पक्षों की गहन व्याख्या प्रस्तुत की है इसके प्रमुख समर्थकों में लुसियन पाई जी ए आमंड जी वी पावेल कोलमैन सिडनी बर्बा मायरन बीनर लियोनार्ड बिंडर रोस्टो रिंग्स और Argens की इत्यादि प्रमुख रूप से सम्मिलित हैं इस संकल्पना का उद्देश्य क्या है तो इस संकल्पना का उद्देश्य द्वितीय विश्व युद्ध के बाद नौ स्वतंत्रता प्राप्त देशों की राजनीतिक प्रक्रिया का विश्लेषण करना था ताकि तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन को वैश्विक आधार प्रदान किया जा सके राजनीतिक विकास की उपागम की आवश्यकता क्यों पड़ी तो राजनीतिक विकास के उपागम की आवश्यकता के बारे में प्रमुख तर्क निम्नलिखित रूप से प्रस्तुत किए जा सकते हैं पहला है स्वतंत्र राष्ट्रों का उदय स्वतंत्र राष्ट्रों का उदय होने के बाद द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद राजनीतिक विकास के उपागम की आवश्यकता महसूस हुई गैर पश्चिमी राजनीतिक प्रक्रियाओं का अध्ययन और राजनीतिक विकास के उपागम का दूसरा जो आवश्यकता का प्रमुख कारण है वह है गैर पश्चिमी राजनीतिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करना राजनीतिक व्यवस्थाओं की विलक्षणता अगली आवश्यकता है नए तथ्यों तथा आंकड़ों का अंबार द्वितीय विश्वयुद्ध समाप्त होने के बाद ढेर सारे राजनीतिक रूप से जुड़े हुए नए तथ्य और आंकड़े निकलकर सामने आए और उन सभी के विश्लेषण करने तथा भविष्य में उनके समुचित उपयोग के बारे में राजनीतिक विकास के उपागम की आवश्यकता महसूस की गई अगला पॉइंट है अवधारणात्मक ढांचे का विकास और फिर है राजनीतिक विकास के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए प्राय दो दृष्टिकोण अपनाए जाते हैं जिस एक है एक मार्गी दृष्टिकोण दूसरा है बहुमार्गी दृष्टिकोण एक दृष्टिकोण के अनुसार अविकसित राष्ट्रों को अपने विकास के लिए केवल विकसित राष्ट्रों की नीतियों का ही अनुसरण करना चाहिए बहुमार्गी दृष्टिकोण के अनुसार राजनीतिक विकास की दिशा बहुमुखी तथा बहुआयामी होती है। अर्थात एक पिछड़े राज्य को अपने विकास जा सकता है लुशियन पाई के अनुसार राजनीतिक विकास की जो प्रमुख विशेषताएं भिसे, हैं पहली है समानता लुशियन पाई कहते हैं कि राजनीतिक व्यवस्था के प्रति समान भाव और राजनीतिक गतिविधियों में गतिविधियों में समान सहभागिता ही समानता का निर्धारण करती है दूसरी विशेषता जो लुसियन पाई ने निर्धारित की है वो है क्षमता इसका अभिप्राय है है कि राज्य या सरकार के कार्य हैं तीसरा विभेदीकरण है जिसके अंतर्गत संरचनाओं का विशेषीकरण किया जाता है लुसियन पाई के अनुसार राजनीतिक विकास संस्कृत का विशरण और जीवन के पुराने प्रतिमानों को नई मांगों के अनुकूल बनाने से है उन्हें उनके साथ मिलाने या उनके साथ सामंजस्य बैठाने से है बैठा हटिंगटन के अनुसार राजनीतिक विकास का अर्थ राजनीतिक संगठनों व क्रियाओं विधियों का संस्थाकरण है वहीं हटिंगटन ने राजनीतिक विकास को निम्न बिंदुओं में व्यक्त किया है पहला है अनुकूलन क्षमता यानी और दूसरा है जटिलता आगे देखते हैं दोस्तों तीसरी विशेषता है दोस्तों स्वायत्तता और चौथी है ससं और फ्रेड रिंग्स ने विकास को निम्न तीन रूपों में व्यक्त किया है पहला आधुनिक समाज दूसरा परंपरागत समाज तीसरा है विकासशील समाज तो रिंक्स के अनुसार डेवलपमेंट ट्रैप की संकल्पना का अभिप्राय क्या है तो रिंस के अनुसार डेवलपमेंट ट्रैप की संकल्पना का अभिप्राय निम्नलिखित तथ्यों पर स्पष्ट किया जा सकता है पहला पॉइंट है जब किसी राजनीतिक व्यवस्था में समानता व क्षमता के मध्य असंतुलन उत्पन्न हो जाता है तो परिणाम स्वरूप डेवलपमेंट ट्रैप उत्पन्न होता है दूसरा पॉइंट स्पष्ट करते हुए रिंग्स ने लिखा है कि पाश्चात्य राजनीतिक संस्थाओं को स्वीकार करने का यह अभिप्राय नहीं है कि पाश्चात्य सांस्कृतिक एवं राजनीतिक मूल्यों को भी स्वीकार किया जाए डब्ल्यू डब्ल्यू रोस्टो ने अपनी पुस्तक द स्टेटेज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ ए नॉन कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो 1960 में परंपरागत समाज से आधुनिक समाज के विकास का वर्णन किया है इन्होंने इसे वायुयान के उड़ने के रूप में वर्णित किया है रोस्टो ने विकास को निम्नलिखित चरणों में व्यक्त किया है पहला है परंपरागत समाज उसके बाद आता है संक्रमण कालीन स्थिति फिर आती है उत्कर्ष अवस्था उसके बाद आता है परिपक्वता की और संक्रमण फिर आता है उच्च उपभोग स्तर और फिर आता है गुणवत्ता की खोज सीई ब्लैंक के अनुसार राजनीतिक विकास के निम्न चरण है पहला है परंपरागत समाज को आधुनिकता की चुनौती दूसरा है परंपरागत नेतृत्व का ह्रास व आधुनिक नेतृत्व का सशक्तिकरण तीसरा है ग्रामीण एवं कृषि आधारित अर्थव्यवस्था एवं समाज में शहरी औद्योगिक परिवर्तन चौथा है समाज का एकीकरण एकीकरणी ने विकास को निम्न रूपों में व्यक्त किया है पहला है आदिम एकीकरण दूसरा है औद्योगिकरण तीसरा है लोक कल्याण चौथा है प्रचुरता पावेल ने राजनीतिक विकास को निम्न रूपों में व्यक्त किया है पहला है संस्कृत का पंथ निरपेक्षीकरण दूसरा है कार्य क्षमताओं का विकास तीसरा है संरचनाओं का विभेदीकरण आमंडियोम पावेल ने राजनीतिक प्रणाली की चार तरह की कार्यक्षमताओं का वर्णन किया है पहला है विनियमन क्षमता यानी रेगुलेटिव कैपेबिलिटी दूसरा है दोहन क्षमता यानी इंटरेक्टिव कैपेबिलिटी ती। तीसरी है वितरण क्षमता यानी डिस्ट्रीब्यूटिव कैपेबिलिटी और चौथी है प्रतिक्रिया क्षमता यानी रिस्पोंसिव कैपेबिलिटी उसके बाद राजनीतिक विकास की मांग यह है कि राजनीतिक प्रणाली में एक और विनिमय विनियम क्षमता एवं दोहन क्षमता तथा दूसरी ओर वितरण क्षमता एवं प्रत्युक्त क्षमता में संतुलन कायम रखा जाए अब राजनीतिक आधुनिकीकरण आधुनिकीकरण पर नजर डालते हैं इस अवधारणा को विकसित करने का श्रेय यूरोपीय देशों को है बाद में इसे एशिया अफ्रीका व लैटिन अमेरिका के राष्ट्रों ने भी अपनाया है आधुनिकीकरण वह है प्रक्रिया है जिसमें कोई समाज परंपरागत मूल्यों और संस्थाओं से आगे बढ़कर आधुनिक युग के अनुरूप जीवन पद्धति अपना लेता है तो राजनीतिक आधुनिकीकरण में भी यही प्रक्रिया होगी कि परंपरागत राजनीतिक मूल्यों और संस्थाओं से आगे बढ़कर के आधुनिक राजनीतिक मूल्यों और संस्थाओं के अनुरूप जो है राजनीतिक पद्धति अपना लेने की प्रक्रिया जो है वो राजनीतिक आधुनिकीकरण कहलाती है आगे देखते हैं राजनीतिक आधुनिकीकरण से जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्यों को एडवर्ड सिल्स ने समकालीन राज्यों को पश्चिम से मुक्ति की इच्छा को आधुनिकीकरण कहा है तो एडवर्ड सिल्स की परिभाषा पे हो जाती है कि समकालीन राज्यों को पश्चिम से मुक्ति की इच्छा को आधुनिकीकरण किसने कहा है तो एडवर्ड सिल्स ने कहा है कोलमैन के अनुसार राजनीतिक आधुनिकीकरण संक्रांतिकालीन समाजों के राजनीतिक व्यवस्थाओं में होने वाले संरचनात्मक एवं सांस्कृतिक परिवर्तनों का समूह है एडवर्ड सिल्स के अनुसार आधुनिकिकृत राष्ट्रों के पांच मॉडल विकसित किए गए हैं पहला है राजनीतिक लोकतंत्र दूसरा है संरक्षक लोकतंत्र तीसरा है सर्व अधिकारवादी अभिजात्यतंत्र चौथा है आधुनिकशील अभिजात्यतंत्र और पांचवा है परंपरावादी अभिजात्यतंत्र एसएन आइजन स्टैंड ने अपनी रचना मॉडर्नाइजेशन प्रोटेस्ट एंड चेंज 1966 में आधुनिकीकरण को निम्न रूपों में व्यक्त किया है तो आयोजन स्टैंड के अनुसार आधुनिकीकरण जो है पहला है सामाजिक परिचालन दूसरा है सामाजिक विभेदीकरण तीसरा है आर्थिक परिवर्तन परिवर्तन और चौथा है राजनीतिक कार्ल ड्यूस ने सामाजिक परिचालन को आधुनिकीकरण का सामाजिक जननाकीय पक्ष कहा है सी ई ब्लैक ने आधुनिकीकरण से संबंधित निम्नलिखित समस्याओं की पहचान की है पहला है आधुनिकीकरण के प्रति चुनौती दूसरा है आधुनिक नेतृत्व की सुदृढ़ता तीसरा है आर्थिक एवं सामाजिक परिवर्तन और अंतिम और लास्ट है समाज का एकीकरण हटिंगटन ने आधुनिकीकरण को निम्न रूप में व्यक्त किया है पहला है मनोवैज्ञानिक स्तर जननांग की बौद्धिक सामाजिक और आर्थिक डेविड एप्टर ने अपनी रचना द पॉलिटिक्स ऑफ मॉडर्नाइजेशन 1965 में आधुनिकीकरण और विकास के मध्य अंतर किया है अब बात करते हैं राजनीतिक विकास एवं राजनीतिक विरासत से जुड़े हुए महत्वपूर्ण बिंदुओं पर सैमुअल पी हटिंगटन ने अपनी पुस्तक पॉलिटिकल आर्डर इन चेंजिंग सोसाइटीज उन्नीस में तर्क दिया है कि राजनीतिक विकास एवं आधुनिकीकरण में सीधा संबंध नहीं है हटिंगटन के अनुसार राजनीतिक विकास का मुख्य लक्षण राजनीतिक व्यवस्था है और इसमें मुख्य बाधा राजनीतिक अव्यवस्था से पैदा होती है जिसे उसने राजनीतिक राष्ट्र कहा है हटिंगटन के अनुसार राजनीति की मूल समस्या यह है कि किसी देश में किस गति से सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन होता है उसकी तुलना में राजनीतिक संस्थाओं का विकास पीछे रह जाता है हटिंगटन के अनुसार राजनीतिक राज का अभिप्राय लोगों की बढ़ती हुई सामाजिक आकांक्षाओं व उनकी पूर्ति के मध्य एक खाई का उत्पन्न होना है यानी गैप हाइपोथेसिस भी इसे हम कहते हैं हटिंगटन का मत है कि यदि राजनीतिक सहभागिता और राजनीतिक संस्था निर्माण साथ साथ चल सके तो राजनीतिक ह्रास को रोका जा सकता है यहाँ पर आप सभी लोग आगे देख सकते हैं कोलमैन ने विकास की प्रक्रिया में बाधा को डेवलपमेंट सिंड्रोम के रूप में व्यक्त किया है तो कहा जा सकता है कि विकास की प्रक्रिया में बाधा को डेवलपमेंट सिंड्रोम के रूप में किसने व्यक्त किया है तो कोलमैन ने व्यक्त किया है ये याद रखना है और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है लियोनार्ड बिंडर ने अपनी पुस्तक क्राइसिस एंड सिक्वेंसेस इन पोलिटिकल डेवलपमेंट में राजनीतिक विकास के निम्न संकटों की चर्चा की है तो लियोनार्ड बिंडर ने अपनी पुस्तक में राजनीतिक विकास के लिए चार प्रकार के संकट बताए हैं पहला पहचान का संकट दूसरा

वही अब बात करते हैं क्षमतावादी विचार क्या है तो पाकिस्तान के अर्थशास्त्री महबूबुल हक ने के द्वारा आर्थिक विकास के बजाय मानवीय विकास के विचार को केंद्रीय महत्व प्रदान किया गया है तो यहाँ पर आप सभी लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है पाकिस्तान के अर्थशास्त्री महबूबुल हक के द्वारा किस सूचकांक का विकास किया गया है यानी कौन सा सूचकांक इन्होंने विकसित किया है भारतीय अर्थशास्त्री अमर सेन के साथ मिलकर के आप सभी लोग इस प्रश्न का आंसर कमेंट करके जरूर बताएंगे

राज्य द्वारा की गई जन कल्याणकारी सुविधाओं और आर्थिक संसाधनों के वितरण से समाज की भलाई संभव नहीं है बल्कि व्यक्तियों की की क्षमता क्षमता का विकास होना चाहिए सेन ने गरीबी को की हान के रूप में चिन्हित किया है या चित्रित किया है तो आप सभी लोगों के लिए ऑप्शन है कि गरीबी को क्षमता की हान के रूप में किसने चित्रित किया है तो भारतीय अर्थशास्त्री अमृत सेन आप सभी लोगों के लिए एक प्रश्न यहाँ पर है भारतीय अर्थशास्त्री अमृत सेन को नोबेल पुरस्कार कब मिला था

ए गुड थ्रॉट उन्नीस कि भारत में अभी आम जनता को मूलभूत सुविधाएं प्राप्त नहीं है इन्होंने पंचायती राज और स्थानीय शासन को भ्रष्ट और गैर जिम्मेदार कहा है जो ग्रामीण भारत में शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करने में विफल रहा है वहीं अमित भादुड़ी ने अपनी किताब डेवलपमेंट विद डिग्निटी ए केस फॉर फुल एम्प्लॉयमेंट 2005 में लिखा है कि बाजारवादी व्यवस्था केवल समाज के संपन्न वर्गों के लिए ही है लाभप्रद है या ग्रामीण और किसान जनता के हितों के लिए उपयोगी नहीं है तो दोस्तों राजनीतिक विकास के बाद अब हम पढ़ते हैं राजनीतिक संस्कृति से जुड़े हुए महत्वपूर्ण बिंदुओं को तो राजनीतिक संस्कृति का अर्थ क्या होता है तो राजनीतिक संस्कृति का अर्थ है किसी समाज की संस्कृति के पक्ष जो उसकी राजनीति को प्रभावित करते हैं राजनीतिक संस्कृति में मुख्यतः ऐसे मूल्य मान्यताएं और मानक आ जाते हैं जो शासक वर्ग शासन प्रणाली और शासन प्रक्रिया को वैधता प्रदान करते हैं यह संकल्पना मुख्यतः राजनीति के अध्ययन और विश्लेषण के लिए प्रस्तुत की गई संस्कृत के विश्लेषण के लिए नहीं इसका उद्देश्य राजनीति के विश्लेषण के लिए संस्कृत के ज्ञान का सहारा लेना था फ्रांसीसी लेखक एलेक्सी डी टॉक ने अपनी रचना डेमोक्रेसी इन अमेरिका में उन कारणों का विवरण दिया है जो संयुक्त राज्य अमेरिका में लोकतांत्रिक राज्य को काम रखने में सहायक सिद्ध हुए थे जर्मन समाज वैज्ञानिक मैक्स वेबर ने यह दिखाने का प्रयत्न किया है कि राजनीतिक प्रणालियों के अंतर्गत वैधता की संकल्पनाएं क्या भूमिका निभाती हैं वहीं अमेरिकी समाज वैज्ञानिक टालकॉट पार्सन्स ने द सोशल सिस्टम 1951 के अंतर्गत संस्कृति की परिभाषा प्रतीकों की व्यवस्थित प्रणाली के रूप में दी है ग्रेवियल आलमंड ने उन्नीस के जर्नल ऑफ पॉलिटिक्स में प्रकाशित अपने लेख कंपरेटिव पॉलिटिक्स सिस्टम पॉलिटिकल सिस्टम के अंतर्गत राजनीतिक उपप्रणाली और उससे जुड़ी हुई उप संस्कृति को स्वतंत्र अध्ययन का विषय बनाया और इन्हें क्रमशः राजनीतिक प्रणाली तथा राजनीतिक संस्कृत का नाम दिया संक्षेप में अगर हम नजर डालें तो राजनीतिक संस्कृत उन प्रतीकों की व्यवस्थित प्रणाली के अध्ययन और विश्लेषण का साधन है जो मनुष्य की क्रियाओं और परस्पर क्रियाओं को सार्थक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं इससे इन्हें उन्हें यह ज्ञान होता है कि अपने सामाजिक परिवेश में उनकी स्थिति क्या है उनके अधिकार और कर्तव्य क्या है राजनीतिक संस्कृत की संकल्पना को राजनीति विज्ञान में व्यवहारवादी क्रांति की देन माना जाता है ग्रेवियल आलमंड और सिडनी बर्बा ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक

अभिविन्यासों का प्रतिमान या अभिविन्यास तीन प्रकार का होता है पहला है ज्ञानात्मक अभिविन्यास यानी कॉग्निटिव ओरिएंटेशन इसके अंतर्गत राजनीतिक विषयों का ज्ञान और उनके अस्तित्व के प्रति सजगता पर विचार किया जाता है दूसरा है भावात्मक यानी अफेक्टिव जो है ओरिएंटेशन इन इन विषयों के प्रति व्यक्ति के मन में पैदा होने वाले भावावेग और अनुभूतियों पर विचार किया जाता है और दूसरा है मूल्य परक यानी एवेलेटिव उन विषयों के बारे में व्यक्ति का मूल्य निर्णय उचित अनुचित या शुभ अशुभ का मूल्यांकन किया जाता है आमन डीओम ने चार प्रकार की राजनीतिक संस्कृति का भी विवरण दिया है पहली है संकीर्ण राज संस्कृत दूसरी अधीन संस्कृत तीसरी सहभागी संस्कृत और चौथी है नागरिक संस्कृत आलमंडियम बर्बा के अनुसार इनमें से कोई एक प्रकार उदार लोकतंत्र को संभालने में उपयुक्त नहीं होगी। अतः उन्होंने इन संस्कृतियों का मिश्रित रूप नागरिक संस्कृत की अवधारणा दी है नागरिक संस्कृत में संकीर्ण संस्कृत अधीन संस्कृत और सहभागी संस्कृत के मिले जुले लक्षण एक विशेष प्रतिमान के रूप अनुरूप पाए जाते हैं नागरिक संस्कृत के दो तत्व होते हैं पहला है कानून का शासन दूसरा है कानून के प्रति सम्मान ऐसी फाइनर ने अपनी मैन में तीसरी दुनिया के नवोदित देशों का अध्ययन कर यह निष्कर्ष दिया कि संवैधानिक प्रणाली की स्थिरता दो बातों पर निर्भर करती है कौन सी पहली वैधता दूसरी सहभागिता ब्रियान बैरी ने अपनी पुस्तक सोशियोलॉजिस्टिक्स और इकोनॉमिस्टिक्स एंड डेमोक्रेसी 1978 के अंतर्गत यह तर्क दिया है कि लोकतंत्री राजनीतिक संस्कृत लोकतंत्री संस्थाओं के अंतर्गत रहने से आती है वह इन संस्थाओं के निर्माण का मूल कारण नहीं होती जैसा कि आमंड और बर्बा ने माना है तो अगर हम बात करें ब्रियान एंड बैरी ने तो इन्होंने आमंड और बर्बा के विचारों का खंडन किया है अब बात कर लेते हैं आगे राजनीतिक संस्कृत के वैकल्पिक सिद्धांत कौन कौन से हो सकते हैं तो पश्चिमी जगत में राजनीतिक संस्कृत का जो सिद्धांत विकसित हुआ उसे राजनीतिक संस्कृत का मुख्य धारा सिद्धांत या उदारवादी सिद्धांत कहा जाता है आमन ड्योम बर्मा ने सिविक कल्चर रिवाइज रिवाइजिटेड उन्नीस में अपने पुराने अध्ययन की आलोचना आत्म आलोचना और पुनर्मूल्यांकन प्रस्तुत किया है इसमें उन्होंने लिखा है कि ब्रिटेन और अमेरिका में सरकार के प्रति विश्वास में कमी आई है माइकल रियान ने अपनी कृति पॉलिटिक्स एंड कल्चर वर्किंग हाइपोथेसिस रिवोलरी सोसाइटी उन्नीस सौ नवासी के अंतर्गत यह तर्क दिया है कि नागरिक संस्कृत पूंजीवाद के उदय के साथ उभर कर सामने आई थी परंतु समकालीन समृद्ध समाज उत्तर भौतिकवादी मूल्यों को बढ़ावा देते हैं इस दृष्टिकोण के अनुसार पूंजी संचय सामाजिक उन्नति की जरूरी शर्त नहीं है दूसरा पॉइंट है राजनीतिक संस्कृत का आमूल परिवर्तनवादी सिद्धांत

सत्तावादी दृष्टिकोण अपनाने को तत्पर होते हैं अन्य तथ्यों पर नजर डालते हैं तो ग्रेवियल आमंड कहते हैं कि प्रत्येक राजनीतिक राजनीतिक व्यवस्था कार्यों के एक विशिष्ट ढांचे से बंधी होती है वहीं राजनीतिक संस्कृत के अन्य नामों पर अगर विचार करें तो आमंड ने इसे कार्य के प्रति अभिमुखीकरण कहा है बियर ने राजनीतिक संस्कृत कहा है इस्टन ने पर्यावरण कहा है सिप्रो ने राजनीतिक शैली का नाम दिया है आमंड और पावेल राजनीतिक संस्कृत किसी व्यवस्था के सदस्यों में राजनीति के प्रति व्यक्तिगत अभिवृत्तियों दिग्विन्यासों का नमूना है राजनीतिक संस्कृत के प्रमुख लक्षणों पर अगर नजर डालें तो पहला आता है यह एक अमूर्त नैतिक धारणा है दूसरा है अनेक तत्वों का सामूहिक एवं समन्वित रूप है तीसरा है गतिशीलता इसका प्रमुख लक्षण है सिडनी बर्बा के अनुसार राजनीतिक संस्कृति के प्रमुख आयाम निम्नलिखित हैं पहला है राष्ट्रीय एकरूपता दूसरा है अपने साथी नागरिकों से एकरूपता तीसरा है शासन के बारे में आस्थाएं चौथा है, है निर्णय निर्माण प्रक्रिया में विश्वास सिडनी बर्बा राजनीतिक संस्कृत और समाज की अपेक्षाकृत अधिक सामान्य सांस्कृतिक व्यवस्था के बीच अंतर विश्लेषणात्मक है राजनीतिक संस्कृत सामान्य संस्कृत का एक अभिन्न पहलू है वहीं अब बात करते हैं सत्ता एवं शक्ति के आधार पर दो प्रकार की संस्कृतियां हो सकती हैं एक है अभिजनात्मक संस्कृति दूसरा है जन संस्कृति आगे बात करते हैं सर्वांग शं, यानी अनुरूपता की दृष्टि से बाइसमैन ने राजनीतिक संस्कृतियों को तीन विशुद्ध एवं तीन मिश्रित रूपों में विभाजित किया है पहला है संकुचित दूसरा है प्रजाभावी तीसरा है सहभागी आगे देखते हैं दोस्तों मिश्रित रूप तो मिश्रित रूप में इन्होंने कहा है संकुचित प्रजाभावी राज संस्कृत दूसरा है प्रजाभावी सहभागीवेगो में को चार रखा है पहला है परिपक्व दूसरा है विकसित तीसरा है निम्न चौथा है न्यूनतम स्त्री एरिक सेवे राजनीतिक व्यवहार का आधार राजनीतिक संस्कृत में होता है ऐसा स्पष्ट किया है उन्होंने राजनीतिक संस्कृति के बारे में अब पॉलिटिकल सोशलाइजेशन यानी राजनीतिक समाजीकरण के बारे में पढ़ते हैं इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग एच एच हाइमन ने अपनी पुस्तक पॉलिटिकल सोशलाइजेशन ए स्टडी इन साइकोलॉजी ऑफ पॉलिटिकल बिहेवियर उन्नीस में किया है तो यहाँ से एक प्रश्न आप सभी के एग्जाम में बन सकता है कि राजनीतिक समाजीकरण यानी पॉलिटिकल सोशलाइजेशन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है तो आपको ध्यान रखना है एच एच हाइमन ने किया है कहाँ किया है अपनी पुस्तक किस पुस्तक में पॉलिटिकल सोशलाइजेशन ए स्टडी इन द साइकोलॉजी साइकोलॉजी ऑफ पॉलिटिकल बिहेवियर जो में राजनीतिक, के के राजनीतिक समाजीकरण राजनीतिक, राजनीतिक समाजी वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा राजनीतिक संस्कृति को बनाए रखा जाता है या क्रमिक रूप से बदला जाता है आमंडल के अनुसार राजनीतिक समाजीकरण की प्रक्रिया निम्न बिंदुओं से स्पष्ट की जा सकती है पहला राजनीतिक संस्कृति को आकार देना एवं उसे प्रसारित करना दूसरा है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक राजनीतिक संस्कृत को बनाए रखना तीसरा है समाजीकरण वह क्षमता है जिसके द्वारा लोगों के नजरिए में बदलाव किया जाता है चौथा है उग्र परिवर्तनों व असाधारण घटनाओं में भी एक नई राजनीति संस्कृत उत्पन्न करने की क्षमता होती है पर वह स्थायी नहीं होती है ऐसी संस्कृत जल्द ही विखंडित हो जाती है आमंट के संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम के आगत में पहला प्रकार भी राजनीतिक समाजीकरण वह भरती है जो परिवार शैक्षिक संस्था और धार्मिक द्वारा पूरा किया जाता है। आगे देखते तो दूसरी असंतुलित या पिछड़ी शैली उदारवाद उदार, उदार लोकतांत्रिक देशों में संतुलन परक शैली अपनाई जाती है और असंतुलित या पिछड़ी शैली तीसरी दुनिया के देशों में अपनाई गई है इसके लक्षणों पर अजर नजर डालें तो संतुलन परक शैली सार्वभौमिक होती है विशिष्ट होती है उपलब्धि प्रधान होती है भाव तथस्त होती है और समुदाय उन्मुख होती 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 है 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 वहीं वहीं असंतुलित या पिछड़ी शैली आरोपित भावात्मक व बात करते हैं राजनीतिक समाजीकरण की विशेषताओं पर अगर नजर डालें तो यह एक मनोवैज्ञानिक अवधारणा है यह सीखने व सीखने व सिखाने की प्रक्रिया है तीसरा है राजनीतिक समाजीकरण व राजनीतिक संस्कृत में अटूट संबंध है राजनीतिक समाजीकरण की प्रक्रिया धीमी क्रमिक एवं अदृश्य होती है चौथा यह व्यक्ति की ताउम्र चलने वाली प्रक्रिया है यानी लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है राजनीतिक संस्कृत को आत्मसात करना ही राजनीतिक समाजीकरण है अगली विशेषता है राजनीतिक समाजीकरण की प्रक्रिया सभी समाजों में होती है और अगली विशेषता है समाजीकरण द्वारा वर्तमान राजनीतिक संस्कृत को केवल बनाए ही नहीं रखा जाता बल्कि उसमें धीमी गति से बदलाव करना भी शामिल है अब बात करते हैं राजनीतिक समाजीकरण को प्रभावित करने वाले तत्व तो। पहला है समरूपी या सजातीयता राजनीतिक व्यवस्था के प्रति सभी का समान विश्वास आस्थाएं व धारणाएं होती हैं उदाहरण यूके यूएसए और पश्चिम यूरोप के समाज व राजनीतिक संस्कृत समरूपी है दूसरा है विजाती या असमरूपी राजनीतिक व्यवस्था के प्रति विभिन्न समुदायों के अलग अलग विश्वास मूल्य व अवधारणाएं होती हैं जैसे तीसरी दुनिया के देशों में राजनीतिक समाजीकरण कम होता है अब बात करते हैं राजनीतिक समाजीकरण के मुख्य अभिकर्ता के बारे में तो पहला है परिवार तो समाजीकरण की प्रथम पाठशाला परिवार है और राजनीतिक समाजीकरण के एक प्रमुख अभिकर्ता के रूप में परिवार को भी देखा जाता है दूसरा है शैक्षिक संस्थान विद्यालय एवं महाविद्यालय जो हैं वो व्यक्ति के समाजीकरण के साथ-साथ राजनीतिक समेकरण राजनीतिक समाजीकरण के मुख्य अभिकर्ता के रूप में कार्य करते हैं दूसरा है, है पीयर्स ग्रुप्स और चौथा है जनसंचार माध्यम व सोशल मीडिया चौथा है राजनीतिक दल व दबाव समूह और छठा है प्रतीक यानी जैसे पंद्रह अगस्त छब्बीस जनवरी दो अक्टूबर और आम चुनाव ये सभी जो हैं राजनीतिक समाजीकरण को प्रभावित करते हैं अब राजनीतिक समाज पूंजीकरण की आलोचना पर नजर डालते हैं यह अनुदारवादी व यथा स्थितवादी संकल्पना है जो राजनीतिक व्यवस्था के अनुरक्षण व अतिजीविता पर बल देती है चाहे समाज यूएसए या यूके की तरह खुला हो या यूएसएसआर एंड चाइना की तरह बंद राजनीतिक समाजीकरण मौजूदा व्यवस्था को बनाए रखने का ही काम करता है दोस्तों अब हम बात करते हैं राजनीतिक विकास राजनीतिक संस्कृति और राजनीतिक समाजीकरण से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकों पर यहाँ से आपको बता दें पुस्तकों का नाम पूछ लिया जाता है या उनके राइटर का नाम पूछ लिया जाता है तो लुसियन पाई की प्रसिद्ध पुस्तक है पोलिटिकल कल्चर एंड पोलिटिकल डेवलपमेंट जो उन्नीस में आई वहीं सैमुअल हटिंगटन की प्रसिद्ध पुस्तक पोलिटिकल आर्डर इन चेंजिंग सोसाइटी जो उन्नीस में आई है डेविड हेप्टर की प्रसिद्ध पुस्तक है द पोलटिक्स ऑफ मॉडर्नाइजेशन उन्नीस में आई है वहीं एडवर्ड शिल्ड्स की पुस्तक पोलिटिकल डेवलपमेंट इन द न्यू स्टेट्स उन्नीस में आई है। है लुसियन पाई की एक और प्रसिद्ध पुस्तक है कम्युनिकेशंस एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट 1961 एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट 1966 ये दो प्रसिद्ध पुस्तकें जैसे लुसियन पाई की आ गई हटिंगटन ओम नेल्सन की प्रसिद्ध पुस्तक है नो इजी चॉइस पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन इन डेवलपिंग कंट्रीज 1976 वहीं डब्ल्यू डब्ल्यू रोस्टो की प्रसिद्ध पुस्तक द स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ ये नॉन कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो 1961 है अगली इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ 1960 और एक पुस्तक है पॉलिटिक्स एंड स्टेटेज ऑफ ग्रोथ लर्नर की प्रसिद्ध पुस्तक द पासिंग ऑफ ट्रेडिशनल सोसाइटी मॉडर्नाइजिंग एंड मिडिल ईस्ट उन्नीस है लियोनार्ड विंडर की पुस्तक है क्राइसिस एंड सिक्वेंसिस इन पोलिटिकल डेवलपमेंट उन्नीस सेल्सो फार की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम डेवलपमेंट एंड अंडर डेवलपमेंट उन्नीस है एजी फ्रैंक की प्रसिद्ध पुस्तक है कैपिटलिज्म एंड अंडर डेवलपमेंट इन लैटिन अमेरिका 1967 वहीं समीर अमीन की प्रसिद्ध पुस्तक है एक्युमुलेशन एंड अन ए वर्ल्ड स्केल 1974 और दूसरी प्रसिद्ध पुस्तक है अनइक्वल डेवलपमेंट 1976 और एक है एम्पिरियलिज्म अनइक्वल डेवलपमेंट 1978 वाल्टर रोटनी की प्रसिद्ध पुस्तक है हाउ यूरोप अंडरडेवलप्ड अफ्रीका अफ्रीका 1972 कल्याण सान्याल की पुस्तक है रीथिंकिंग कैपिटलिस्ट डेवलपमेंट 2007 हजार कोलमैन की एक पुस्तक है द पोलिटिक्स की प्रसिद्ध पुस्तक है, 1965. की एक पुस्तक, है जो उन्नीस सौ चौरासी में आई है पालबरन की प्रसिद्ध पुस्तक द पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ ग्रोथ उन्नीस में प्रकाशित हुई वॉलर स्टीन की पुस्तक है द मॉडर्न वर्ल्ड सिस्टम वॉल्यूम वन और कैपिटलिस्ट एग्रीकल्चर एंड द और एक है जियो पोलिटिक्स एंड जियो कल्चर एस एज ऑन द चेंजिंग वर्ल्ड सिस्टम उन्नीस सौ इक्यानबे एक और इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है डिक्लाइन ऑफ अमेरिकन पावर द यू एस इन ए चौटिक पावर 2003 और एक प्रसिद्ध पुस्तक है तो साथियों था आज का वीडियो जिसके अंतर्गत हमने तुलनात्मक राजनीति के महत्वपूर्ण टॉपिक राजनीतिक विकास राजनीतिक संस्कृति और राजनीतिक समाजीकरण से महा संबंधित टॉपिक को डिस्कस किया है आप सभी के साथ जो आप सभी की आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी और हेल्पफुल साबित होगी उम्मीद करते हैं आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करें दोस्तों में शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करें आगे की तैयारी को फ्री ऑफ कास्ट जारी रखने के लिए आज की वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं अगली वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक को लेकर के तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद जय जे भारत बंदे मातरम आप सभी साथियों का दिन शुभ हो